उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने धार में भी केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने रोजगार, कालाधन और राफेल के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चौतरफा हमला किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज की तारीख में साल में सिर्फ 450 लोगों को ही रोजगार मिल पा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री ने देश में काला धन जब्त करने के लिए कहा कि पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया, लेकिन देश से काला धन की समस्या खत्म नहीं हुई। यूपीए की सरकार ने 126 हजार एयरफोर्स के लिए खरीद ली थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी 70 साल से हवाई जहाज बना रही है। 1965 में पाकिस्तान के हवाई जहाज को नैट हवाई जहाज में गिराया था, एजीएल ने बनाया था। कारगिल में पाकिस्तानी सेना के ऊपर बम गिराए, मिग हवाई जहाज ने, सुखोई हवाई जहाज ने, मिराज हवाई जहाज ने, एजीएल ने बनाया था। भाइयों और बहनों, 526 करोड़ रुपए के हवाई जहाज को नरेंद्र मोदी ने 1600 करोड़ रुपए में खरीदा। अन्य अंबानी ने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया। वहीं अपने मलवांचल दौरे में राहुल गांधी